आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज अध्याय 43 पृष्ठ संख्या 140 बेलूर मठ बुधवार 1 मई 1929। एक युवक भक्त वैराग्य होने पर मठ महापुरुष महाराज से बेलूर मठ में मिलने आया है और महापुरुष महाराज से प्रश्न करता है। आइए अब हम इनके बीच हो रहे वार्तालाप को सुनते हैं। युवक पूछता है, कभी कभी ध्यान करने में बड़ा आनंद मिलता है और कभी कभी मन को बिल्कुल वश में नहीं ला पाता। महापुरुष महाराज, मन का स्वभाव ही ऐसा है, वेव लाइक मोशन, तरंगों के समान गतिशील है। उत्ताल तरंगे नहीं देखी? पानी खूब ऊंचा उठकर एक तरंग आई और साथ ही उसके पीछे एक गहरा गर्त बन गया, फिर उताल तरंगें उठी। यह जो कभी कभी मन वश के बाहर चला जाता है उसका अर्थ है फिर उताल तरंग उठेगी, उस समय खूब आनंद मिलेगा। किंतु जो वास्तविक भक्त हैं वे इस आनंद में भी अपने को नाव तो भूल जाते हैं और निरानंद में हताश ही नहीं होते। सभी कुछ माँ की इच्छा है, माँ की कृपा समझकर एक निश्चित से माँ को समान रूप से पुकारे जाना, माँ चाहे जिस अवस्था में रखें। इस प्रकार करते करते निर्विचिन्न आनंद होगा, माँ का पूर्ण प्रकाश होगा। तुम किसी प्रकार भी विचलित ना हो बच्चा, माँ तुम पर कृपा कर रही है और भी करेंगी, मैं कहता हूँ विश्वास करो। केश इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? यह कटा डालो, इससे दिखाऊ धर्म हो जाएगा और लोग जैसे रहते हैं तुम भी वैसे ही रहो। बाहर से कोई पार्थक्य ना रहे, अंदर में माँ को पुकारना। अरे वे क्या कोई बाहर की वस्तु हैं? अच्छा अब मंदिर में जाओ, ठाकुर के दर्शन करो और प्रसाद पाओ। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।